वैक्सीन की किल्लत के चलते 3 दिनों तक वैक्सीनेशन इस सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार से जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया फिर से शुरू हुई, लोगों की भीड़ वैक्सीनेशन केंद्रों पर जुटने लगी है। आज भी वही तस्वीर देखने को मिल रही है और वही हंगामा देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त मुंबई के गोरेगांव इलाके में हूँ और गोरेगांव इलाके का ये नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर है जो कि मुंबई का एक बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है। और जरा यहाँ की तस्वीर देख लीजिए, सुबह 4-5 बजे से ही लोग लंबी कतारों में खड़े थे ताकि उनका नंबर आए और वो वैक्सीन लगवा सकें। कुछ लोगों को अंदर लिया गया लेकिन उसके बाद लोगों की भीड़ जबरन अंदर जाने लगी, घुसने लगी, उसके बाद गेट को बंद करना पड़ा। अभी भी आप देखें दो तरफ कतारें लगी हुई हैं, एक तरफ आपको लंबी कतार बाईं तरफ तो दूसरी तरफ दाईं तरफ इस प्रकार से कतार नज़र आ रही है। कुछ लोग मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी से बहस करते नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग अपना स्लिप दिखा रहे हैं, कुछ लोग अपना मोबाइल पर तारीख दिखा रहे हैं, कुछ लोग अपना अपॉइंटमेंट दिखा रहे हैं। लोगों को अभी कोई सूचना नहीं मिल रही है। कुछ लोगों को अंदर लिया गया था लेकिन लोगों की भीड़ देखते हुए एक बार फिर से गेट बंद कर दिया गया है। दीवार पर चढ़े हुए उस कर्मचारी को देखिए जो ऊपर से सूचना दे रहा है कि जो कतार में होंगे उन्हें वैक्सीन दिया जाएगा। आपको बता दें कि सोमवार के दिन भी वैक्सीनेशन शुरू किया गया था लेकिन सिर्फ 200 डोज उपलब्ध थे, इसमें से 100 डोज वॉक इन के लिए और 100 डोज जिन्होंने अपॉइंटमेंट लिया था उन लोगों के लिए थे। आज भी वही स्थिति है, आज भी 200 डोज उपलब्ध होने की बात कही जा रही है जिसमें से 100 डोज वॉक इन के लिए और 100 डोज जिन्होंने अपॉइंटमेंट लिया है उन्हें दिया जाएगा। अब आप इस भीड़ को देखकर आप कल्पना कीजिए कि क्या 100 डोज जो वॉक इन है वो काफ़ी होगा। और कोरोना नियमों का तो उल्लंघन का तो आप बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ पर कोई नियमों का पालन नज़र नहीं आता है। देखिए किस प्रकार से एक दूसरे से चिपक कर लोग खड़े हैं, कुछ लोगों के मास्क जो है वो नाक से नीचे हैं और ये लंबी कतार है। आपको अब आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि कितनी दिक्कतें भी लोगों को हो रही हैं। सुबह 4-5 बजे से लोग लंबी कतारों में खड़े रहकर अपने नंबर का इंतज़ार करते हैं। जरा देखिए इस कतार को, ये जो सड़क के किनारे फुटपाथ है उस पर फुटपाथ पर लोग कतार में खड़े हैं इस उम्मीद के साथ में कि उनका नंबर आएगा, उन्हें वैक्सीन लगेगा। कितनी देर से आप खड़े हैं? हम तो 5:30 बजे आए हैं। सुबह 5:30 बजे से क्या जानकारी मिल रही है? कुछ तो अभी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, अभी ये तो खड़ा ही है। कितने दिन से आप आ रहे हैं? आप अभी तो 2-3 दिन हो गया ऐसा। अच्छा। जी आप कितने दिन से प्रयास कर रहे हैं, पहला डोज है दूसरा डोज? दूसरा डोज है, 2 दिन से, अभी कोई खबर मालूम ही नहीं। अच्छा, आप इतने कतार में इतने पीछे हैं, उम्मीद है मिल जाएगा? वो अभी मिले नहीं मिले फिर कल देखेंगे। आज आप कितने बजे आए? मैं 4:45 को आया। 4:45 बजे का है। अंकल जी आप भी सुबह आए? सुबह 5:45 बजे। कितने दिन से प्रयास कर रहे हैं वैक्सीन लगने? दो बार हो गया सर। दो बार हो गया। देखिए तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि सुबह लोग 5 बजे से कतार में खड़े रहते हैं जबकि वैक्सीनेशन जो है वो 10 बजे से शुरू होता है। थोड़ा आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कितनी लंबी कतार है। ये कतार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसमें बहुत सारे बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सैकड़ों लोग कतार में खड़े हैं इस उम्मीद के साथ कि उन्हें वैक्सीन मिले। अब फिलहाल ये देखना होगा कि कितने इसमें किस्मत वाले होते हैं जिनको वैक्सीन मिलती है या फिर इन्हें फिर अगला प्रयास भी करना होगा। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़ मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।